गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाई साइंस डिपार्टमेंट वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज कैंपस कनगांड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म ऑफ यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी, है ना। बेसिक प्रोबेबिलिटीज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई ऑपरेशन कर हमने करा ना, दैट इट्स रिजल्ट सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। क्या होता है देखो, किसी भी ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे, जब हम उसका रिजल्ट जो हमारे पास क्या आएगा, वेल डिफाइन आएगा ना। जैसे हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, देखो क्या है, वेल डिफाइन जो मेरे पास रिजल्ट आया, उसकी डेफिनेशंस मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग में क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको बोलेंगे हम वेल डिफाइंड। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिसिडिटेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या है, मेरे पास जो मेरे पास आउटकम्स मिलेगी ना, वो मेरे पास क्या है, बहुत सारी मिलेगी, तो उसको बोलेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे एक्सपेरिमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस जो मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास जो आउटकम्स आए ना, अगर उसको हम एक सेट की फॉर्म में लिखते थे, सेट हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर उसको हम सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। तो डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। एग्जाम्पल, वहन वी टोज अ कॉइन, अगर हमने एक कॉइन को क्या करा, एक टोस करा, तो इट विल लैंड हैंड या टेल। तो क्या आएगा आउटकम्स, क्या मिलेगी मेरे पास, या तो हैंड मिलेगी, हेड मिलेगा, या मेरे पास टेल मिलेगी। अगर उसको हम एक सैंपल स्पेस अगर हमने लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कहता है मेरे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस सिंपली क्या है, मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमने करा, जिसके अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा आउटकम्स मुझे मिले।